हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइस, बात करने वाले इस वीडियो में बीएसएफ, एएसआई और आप लोग का एचसीएम, जो आप लोग का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पोस्ट पर आई थी 2022 से, तो उसका एडमिट कार्ड आप लोग का आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, तो फर्स्ट जाकर आप लोग का एडमिट कार्ड ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर, बीएसएफ ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर, वहाँ से आप लोग का जीमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन होने के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग का सेंटर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेंटर आप लोग का कहाँ गया, ठीक है? जो भी कैंडिडेट का सेंटर जहाँ भी गया आप लोग को जरूर बताइएगा आप लोग सेंटर कहाँ कहाँ गया, ठीक है? तो मैं आप लोग का सेंटर रिलेटेड कैसे वहाँ पर पहुँचे, मैं वीडियो आप लोग का ला दूंगा, ठीक है? बना दूंगा आप लोग का डिमांड रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वीडियो में बात करने वाला आप लोग का फिजिकल एंड आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, तो कैसे वहाँ पर आप लोग को होने वाला है, बिल्कुल लेट टू जरा मैं बात करने वाला इस वीडियो में, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट आप लोग क्या क्या लगेगा और देख लो, नहीं तो आप लोग को बाहर कर देंगे। जी हाँ, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लोग को छूट जाती है तो आप लोग का फेल कर देंगे, मतलब आप लोग का रिजेक्शन स्लिप दे देंगे और बाहर कर देंगे। कोई आप लोग का गुंजाइश नहीं होगी, आप लोग वहाँ पर कोई आप लोग को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोग का वहाँ आप लोग को बाहर ही कर देंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप कर देते हो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो बता दें, फर्स्ट आप लोग का फर्स्ट पेज में क्या क्या होगा, बिल्कुल हम लोग को बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोगों को फुल वॉच किया, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नया सबसे फास्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं क्या क्या आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या क्या आप लोग फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस क्या क्या आप लोगों का वहाँ पर ले जाना है डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, ए टू जेड हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आप लोग का फिजिकल पीएसटी क्या क्या होगी, बिल्कुल इस वीडियो में ए टू जेड बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट आप बता रहे डॉक्यूमेंट फर्स्ट आप लोग को नोट करते जाइएगा और आप लोग का तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं जो चीज़ बताऊँगा आप लोग को बारीकी समझिएगा। तो फर्स्ट आप लोग पहला नंबर आप लोग का 10th का मार्कशीट जो होता है उसका टू कापी लगेगा, मतलब ओरिजिनल विथ आप लोग का टू कापी। फोटो कापी भी आप लोग को एक ले लीजिएगा, दो लेंगे तो बेटर है, नहीं तो एक चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल आप लोग को ले जाना सभी का ओरिजिनल, सभी का टू कापी, सब ले जाना, ठीक है? जो जो हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। और दो नंबर आप लोग का ले जाना है आप लोग का 12th का, मतलब 12th बाद 12th का आप लोग का ले जाना है, ठीक है? ओरिजिनल और आप लोग का टू कापी दोनों, ठीक है? ये हो गया दो नंबर। और तीन नंबर आप लोग को ले जाना है, मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद प्रूफ के दिखाऊंगा क्या क्या कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होती है, वो भी हम लोग को दिखाने वाला हूं, ठीक है? तो तीन नंबर आप लोग का एक आईडी कार्ड हो जाएगा, आईडी मतलब आईडी प्रूफ आप लोग का हो जाएगा, एक आधार कार्ड मान लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आप लोग का फॉर्म भरते वक्त जो आप लोग का आईडी कार्ड दिए थे, मतलब आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन जो आप लोग को दिए थे, मतलब आईडी प्रूफ दिए थे, वही आप लोग को ले जाना है, ना कि आप लोग अदर कोई वो ले जाना है। जो आप लोग का फॉर्म भरते वक्त दिए थे आप लोग को, एडमिट कार्ड पर आप लोग को दिया होगा, ठीक है? प्रूफ के साथ प्रूफ दिया होगा वहाँ पर, आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड दिए तो आधार कार्ड ले जाना है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है ड्राइविंग लाइसेंस देना, अगर वोटर कार्ड दिए तो वोटर कार्ड ले जाना है, ना कि आप लोग अदर आप लोग का प्रूफ ले जाना है, ठीक है? ये आप लोग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ आप लोग का वेरिफिकेशन होगा ना, तो वहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोग का दिए, एडमिट कार्ड में दिया गया आप लोग मेंशन किया गया कि आप लोग को वहाँ पर दिए गए, ठीक है? वो आप लोग को देख लीजिएगा किस क्या आप लोग का फॉर्म भरते वक्त क्या प्रूफ दिए थे, वैसे वो प्रूफ ले जाना, ठीक है? अदरवाइज कोई और नहीं ले जाना, ठीक है? तो ये आप लोग ले जाएंगे, तीन नंबर ये हो गया, और थोड़ा मिटका देते, उसके बाद हम लिखते थे चार नंबर आप लोग को ले जाना है डोमिसाइल, ठीक है? डोमिसाइल ले जाना आप लोग का, डोमिसाइल आप लोग का निवास होता है, निवास आप लोग को ले जाना, ठीक है? और आप लोग का देखिए ओरिजिनल और टू कापी दोनों ले जाना है, ये नहीं कि आप सिर्फ आप लोग का टू कापी ले जाना है, ये आप लोग ओरिजिनल और आप लोग का टू कापी दोनों ले जाना है। पाँच नंबर आप लोग का आ जाएगा आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट किनका लगेगा मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए ना, आप लोग का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए बात करते हैं आप लोग का, नेम क्लियर कर दे कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत आप लोग का दिक्कत आती है। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो देख ले तो किसी को आप लोग वीडियो देखने नहीं पड़ेगी, इसमें हम वीडियो क्लियर कर देते हैं। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ओबीसी, आप लोग जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ना ओबीसी से, उनका आप लोगों का सेंट्रल लेवल का चाहिए, मतलब आप लोग का केंद्र शासित प्रदेश वाला चाहिए, ठीक है? सेंट्रल लेवल का। और जो कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी और एसटी से बिलोंग करते हैं, उनका स्टेट लेवल चल जाएगा, स्टेट लेवल का चल जाएगा, मतलब राज्य का निवास का सर्टिफिकेट चल जाएगा, मतलब आप लोग का जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो आप लोग का राज्य का चल जाएगा। अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप लोग का सेंटर बनवाना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है ना, वेरिफिकेशन आप लोग को छाड़ देंगे उसमें वेरिफिकेशन होगा ना डॉक्यूमेंट, उसमें छाड़ देंगे आप लोग का। अगर आप लोग स्टेट लेवल बनवाए हैं तो अभी आप लोग को टाइम है, बनवा लीजिएगा, हफ्ता दिन लगेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो बन जाएगा आप लोग का, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेंट्रल लेवल बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का बहुत जरूरी है। और बताए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोग का बनेगी वो आप लोग का 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर आप लोग का नहीं बनवा तो और बेटर है, नहीं आप लोग का 3 वर्ष से पुराना है अगर लिखा गया एडमिट कार्ड पर, बिल्कुल बता रहे हैं 3 वर्ष से पुराना है तो आप लोग का
वहाँ भी बाहर कर सकते, मतलब आप लोग को फेल भी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छाड़ देंगे, इसलिए आप लोग का 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का डेट आप लोग काउंट कर लीजिएगा जो पुराना आप लोग का सर्टिफिकेट रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप नया बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नया बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया 5 नंबर आप लोग का डॉक्यूमेंट कॉस्ट सर्टिफिकेट। 6 नंबर पर आप लोग आ जाएगा, 6 नंबर पर आप लोग बता दें दोस्तों कि आप लोग का ये हो गया, फर्स्ट आप लोग हाई स्कूल इंटर, ठीक है, हाई स्कूल इंटर, और उसके बाद आप लोग का एक आईडी प्रूफ, उसके बाद आप लोग का एक आईडी प्रूफ हो गया, तो आईडी प्रूफ हो गया, उसके बाद आप लोग का मान के चलो डोमिसाइल, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये हो गया। 6 नंबर आप लोग का फोटो लगेगा, फोटो जो आप लोग होता है फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो लगेगा, फोटो कितना, कम से कम आप लोग 10 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है, सेम वही चल जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कोई भी फोटो रखें तो वो भी आप लोग का वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं चल जाएगी, अदरवाइज कोई भी फोटो चल जाएगी, ये जरूरी नहीं है जो एडमिट कार्ड पर लोगों का फोटो चिपकाया गया है वही लगेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का, अदरवाइज कोई भी फोटो वहाँ पर हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग का हो जाएगी फोटो। 10 कॉपी आप लोग रख लेना, 10 कॉपी क्योंकि वहाँ आप लोग लग सकता है, 10 कॉपी रख लेना, 10 कॉपी से बेसी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रख लेना, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया डॉक्यूमेंट, आप लोग बिल्कुल हम ए टू जेड बता दिए क्या क्या आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, भी तो आप लोग प्रूफ के साथ दिखाने वाला है क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, मैं आप लोग PDF बना कर रखा हूँ, ठीक है। ये आप लोग का है ना, जो ये आप लोग को दिया गया ये हाई स्कूल का है, ठीक है, ये 10th का मार्कशीट है, ये आप लोग को ले जाना है, ठीक है, ओरिजिनल और आप लोग 2 कॉपी दोनों ले जाना है, एक एक करा लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 करा लूँगा वो बेटर है। और ये आप जो दिख रहा है सेकंड नंबर ये आप लोग का, ये 12 का आप लोग का मार्कशीट है, ये भी आप लोग का ओरिजिनल और 2 कॉपी दोनों ले जाना, ठीक है। और आप लोग बता दें दोस्तों, नीचे जैसे आएंगे तो ये आप लोग का आधार कार्ड है, ठीक है, एक आप लोग का आईडी प्रूफ ले जाना, जो आप लोग का आधार, जो आप लोग का फॉर्म भरते वक्त और एडमिट कार्ड को मेंशन किया होगा, जो आप लोग का आधार प्रूफ आईडी कार्ड वही ले जाना है ना, कि अदरवाइज कोई और ले जाना, ठीक है। ये आप लोग 3 नंबर पर हो जाएगा आप लोग का आईडी कार्ड, मतलब आप लोग प्रूफ हो जाएगी आईडी प्रूफ, ये आप लोग ले जाना, ठीक है। और 4 नंबर का बात करें दोस्तों, देखें विद प्रूफ के साथ दिखाना है, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नए वीडियो सबके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, फोकस ऑल एग्जाम लिखिएगा आप लोग का वहाँ पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर डायरेक्टली वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का नई नई चीज़ें आप लोग को बताई जाती है, नोटिफिकेशन दी जाती है और हर एक चीज़ आप लोग का वहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग का 4 नंबर पर आ जाएगा आप लोग का, आप लोग का डोमिस क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगी। ये सेंट्रल लेवल का है, देखिए ये सेंट्रल लेवल का, देखिए यहाँ पर दिखा दे, लिखा है उत्तर प्रदेश शासन लिखा है, बट आप लोग सेंट्रल लेवल में जूम करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये इंग्लिश में लिखा गया, अगर सेंट्रल लेवल का होगी आप लोग का तो इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल का होगा तो क्या होगा, क्या लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। अगर स्टेट लेवल का होगा तो क्या होगा दोस्तों, स्टेट लेवल का होगा तो देखिए आप दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर सेंट्रल लेवल होगा तो आप लोग इंग्लिश में लिखा होगा, है इसमें लिखा है ना, फ्रॉम सर्टिफिकेट टू विद प्रोवाइडेड बाई अदर बैकग्राउंड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप लोगों का होता है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है। तो यही पूरा है, ये लिखा होगा। अगर स्टेट लेवल का होगा तो हिंदी में लिखा होगा, देखिए सब कुछ आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा, यही आप लोग का कस्ट सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल लेवल का है, ये आप लोग याद रखिएगा ध्यान, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आप लोग का, ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का डॉक्यूमेंट है निवास, जो आप लोग का निवास है ये, ठीक है, निवास डोमिसाइल है, निवास बोलते इसे, 5 नंबर पे आ जाएगी, ठीक है, डोमिसाइल वाला निवास से आप लोग का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टोटल आप लोग का तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं है, अगर 3 वर्ष से ये दोनों पुराना है तो जब बनवा लीजिएगा, अगर 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, नए बनवा लीजिएगा, बहुत टाइम अभी आप लोग का, ठीक है, बनवा लीजिएगा जिस। और बात करें आप लोग का 6 नंबर पर क्या बताए थे, 6 नंबर आप लोग का फोटो बताए थे, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बताए थे, पासपोर्ट साइज फोटो बताए थे आप लोग का, कम से कम 10 कॉपी रख लीजिएगा, 10 कॉपी आप लोग रख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सभी का फोटो कापी, सभी का ओरिजिनल ले जाना है, दोनों सब कुछ मैं बार बार बता चुका हूँ, सभी का फोटो कापी, सभी का ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। ये आप लोग का टोटल आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी क्या नाम है, आप लोग का इंस्टाग्राम आईडी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले, वहाँ से जाकर आप लोग का फॉलो करके और आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, फॉलो करके करना है ना कि ऐसे ही, मतलब फॉलो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बता दें आप लोग का एक और चीज़ बताएं दोस्तों, कैसे वहाँ पर लोग फिजिकल होने वाली है, मैं आप लोग को फिजिकल से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ, ठीक है। फिजिकल आप लोग क्या क्या वहाँ पर होने वाली, फर्स्ट आप लोग का फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो PST होने वाला जो आप बात करने वाला आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ASI के हो, चाहे आप लोग का SC मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के पोस्ट हो, इससे आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट कैसे होगा बिल्कुल A to Z इस वीडियो में बात करने वाला, ठीक है। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड में A to Z आप लोग क्लियर कर चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बात करने वाला आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग का टेस्ट, ठीक है।
तो पीएचडी कैसे होगी, बिल्कुल लेट जब पहले तो फर्स्ट बता दें रनिंग आप लोग का नहीं है, रनिंग इसमें आप लोग का नहीं है, ठीक है, रनिंग नहीं है, सिर्फ आप लोग मेजरमेंट होगा, ठीक है, मेजरमेंट क्या क्या होगा बिल्कुल लेट जब हम बात करने वाले, ठीक है, फर्स्ट में बता दें मेजरमेंट आप लोग का हाइट नापा जाएगी, पहले एक नंबर पहले हाइट नापा जाएगी, हाइट आप लोग कितना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, किनका, ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं, चाहे आप लोग का जनरल से बिलोंग करते हैं यूआरएल, चाहे आप लोग का एससी से बिलोंग करते हैं, उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है, हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर ऑल इंडिया पर। अगर आप लोग को बता दें अगर हिल एरियाज जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पर दिया गया ना रिलैक्सेशन, अब फीमेल का आप लोग कितना हाइट चाहिए, देखिए फीमेल पर बताया नहीं है, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्रिब्यूट, ठीक है, 155 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए फीमेल के, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आप लोग का मेल के, और रिलैक्सेशन भी है आप लोग का हाइट में छूट भी है, किन कैंडिडेट का छूट है, तो कैंडिडेट देखिए यहाँ पर दिया गया जो भी कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ दिया गया ना गरवाइस कुमारिस कुमारुनिस गोरखास दुर्गास आप लोग का महाराष्ट्र, कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय आसाम हिमाचल प्रदेश एंड आप लोग कश्मीर लेह लद्दाख रिलेशन जो भी कैंडिडेट हैं वो स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनका आप लोग का रिलेशन मतलब छूट है, क्या कितना हाइट लगेगा इनका, तो 162.5 सेंटीमीटर इनका हाइट नापा जाएगा, और ले जो आप फीमेल कैंडिडेट है उनका आप लोग का इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट नापा जाएगा इनका इन लोगों का, ठीक है। और बता दोस्तों ऑल इंडिया में जो भी कैंडिडेट एसटी वाले एसटी फीमेल हो चाहे मेल हो उनका आप लोग का हाइट कितना नापा जाएगा 162.5 सेंटीमीटर नापा जाएगा, ठीक है, ऑल हम इंडिया में बता रहे हैं, ऑल इंडिया जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एसटी से उनका आप लोग का फीमेल के 162.5 सेंटीमीटर हाइट नापा जाएगी, और फीमेल का आप लोग का 150 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट नापी जाएगी, ठीक है। ये हाइट नापने के बाद आप लोग का दूसरे नंबर पर आ जाता है आप लोग का चेस्ट, ठीक है, चेस्ट सिर्फ आप लोग का मेल का नापा जाएगा ना आप लोग का फीमेल का आप लोग का चेस्ट नहीं नापा जाएगा, सिर्फ आप लोग का मेल का नापा जाएगा चेस्ट, ठीक है। तो बता दें आप लोग का जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी के आप लोग को 177 सेंटीमीटर आप लोग का नॉर्मल आप लोग का चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आप लोग फुलाकर मतलब आप लोग का 82 सेंटीमीटर टोटल नापा जाएगा, ठीक है, 82 सेंटीमीटर आप हो जाएगी, 77 आप लोग का नॉर्मल होना चाहिए बिना फुलाए, और आप लोग का फुला के आप लोग का 5 सेंटीमीटर स्पेंड करना 82 होना चाहिए, ये आप लोग का रहेगी आप लोग का चेस्ट में। और चेस्ट वाले का किनका आप लोग का छूट है, तो एसटी जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से उनका आप लोग का 76 आप लोग का नॉर्मल पूछा जाएगा, नॉर्मल हो सेंटीमीटर होगा चेस्ट में नापा जाएगा, उसके बाद आप लोग का 5 सेंटीमीटर फुला के 81 आप लोग का हो जाएगा ये, ठीक है, 81 आप लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर आप नापा जाएगा चेस्ट में, ये आप लोग का हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पर आप लोग आ जाइए, 3 नंबर पर क्या नापा जाएगा आप लोग का वेट, मतलब आप लोग का भार नापा जाएगा, वजन नापा जाएगा, 3 नंबर आप लोग का वेट नापा जाएगा, वेट कितना आप लोग का देखिए यहाँ पर दिखाया ना करस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल, मतलब कहने का मतलब वेट में कोई भार में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग का, जो हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से कैलकुलेट मतलब भार नापा जाएगा, हाइट क्या बोलते हैं वेट में वजन में कोई किसी को छाटते नहीं है, ठीक है, टाइम दे देते हैं छाटते नहीं है, जो अगर जिसका वजन ज़्यादा है उनको आप लोग का टाइम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छाटते नहीं है, छाटते किस चीज़ में पहले आप लोग को बता दें, और छाटते दो चीज़ में, तो हाइट में छाटेंगे नहीं तो आप लोग को चेस्ट में छाटेंगे, हाइट जिनका कम है उनमें छाट सकते हैं, और आप लोग का चेस्ट जिनका फुला नहीं सकते हैं और नॉर्मल 77 के 80 है अगर नहीं फुला पाएँ तो उनको भी छाट देंगे, ठीक है, तो नहीं फुला पाए उनको भी छाट देंगे, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए चेस्ट की, और आप लोग का चेस्ट की जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग का स्पेन करना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आप लोग का बिल्कुल ए टू जेड वहाँ पर होगा, ठीक है। तो फिजिकल पीएचडी यही होगा, 3 चीज़ आप लोग का मेजरमेंट होगा, ना कि आप लोग का अदरवाइज और कुछ होगा, ये बिल्कुल ए टू जेड मैं बता दूंगा आप लोग पीएचडी ऐसे ही आप लोग का वहाँ पर होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मैं पढ़ के बताया उन्होंने, ना कि आपने मर्जी से बताया, नोटिफिकेशन जो कुछ दिया गया मैं ए टू जेड आप लोग का फुल नोटिफिकेशन से पढ़ के ही बताया हूँ, ठीक है। तो आई होप सभी लोग का क्लियर हो चुका होगा, जो भी डाउट हो तो आप लोग का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया गया जाकर वहाँ पर ज्वाइन होकर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग का मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी पर मैसेज करके आप लोग का पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग का मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक की जय हिंद जय भारत।